दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों भोलेनाथ का सावन का महीना नज़दीक आ गया है। सावन के महीने में क्या उपाय करें यह आपको हम जानकारी देंगे, बारी बारी से कई आपको उपाय बताएंगे। आज उपाय बताने वाले हैं संतान के विषय में। अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है, संतान उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न हो रही है, या कई बार गर्भपात हो गया है, किसी प्रकार से गर्भ नष्ट हो गया है, तो वहाँ पर आपके लिए सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ महीना है संतान प्राप्ति के लिए। महादेव की कृपा से आपके घर संतान का आगमन होगा, आपके बहुत जल्दी भोलेनाथ गोद भरेंगे। एक छोटा सा उपाय करना है इस सावन के महीने में पूरे लगातार। अभी 2024 में 22 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ है, 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा, 5 सोमवार पड़ रहे हैं सावन के महीने में। आपको पूरे 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रोज ये उपाय करना है। उपाय क्या है मैं आपको बताता हूँ संतान के लिए। बाकी एक जानकारी और दे दें, संतान के लिए रुद्राभिषेक करवा सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। एक सिद्ध धागा भी संतान के लिए आपको बनाकर दिया जाएगा, जिससे आपको अतिशीघ्र संतान प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको रुद्राभिषेक करवाना है हमारे यहाँ पर, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, गोत्र और समस्या भेजनी है कि क्यों नहीं हो रही संतान, और आपको व्हाट्सअप कर देना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। 15,000 में एक रुद्राभिषेक और एक सिद्ध धागा जो आपके संतान के लिए बनाया जाएगा वो आपको बाय कुरियर मिलेगा। तो आप ये बुकिंग करवा सकते हैं 22 जुलाई से पहले पहले। ये तो हो गई उसकी बात, जो लोग रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, जो खर्चा कर सकते हैं, उनको बहुत जल्दी शीघ्र अति शीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाएगी। और पूरे सावन के महीने अगर आप ये उपाय कर सकें, तब भी आपको बहुत अति शीघ्र भोलेनाथ की कृपा मिलेगी और संतान प्राप्त होगी। अगर आप 15,000 खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास में ये पूरे महीने उपाय करने का एक सुअवसर है। सावन के महीने में, किसी भी सावन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो 2026, 2028 या 2030, कहीं भी किसी भी सन में देख रहे हैं, अगर सावन का महीना शुरू होने वाला है तो आपको उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना है? उपाय में आपको ये करना है कि उपाय के लिए आपको बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र 108 लेने हैं। 108 बेलपत्र जो टूटे फटे ना हो, बिल्कुल सही हो। और वो बेलपत्र आपको गाय के शुद्ध दूध में, 1 लीटर दूध में डाल दीजिए या 2 लीटर, जितना आपके पास व्यवस्थित हो, उसमें बेलपत्र डाल दीजिए। और वो उसकी जो डंडी होती है ना, वो तोड़ करके, और उसके बाद में ये बेलपत्र आप एक एक करके निकाल निकाल करके 108 बार ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का, महिला हैं आप तो महिला को ही ये उपाय करना है, अगर आप लेडीज हैं तभी आपको उपाय करना है, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर प्रॉब्लम पुरुष में है तो उसके लिए अलग उपाय होते हैं, लेकिन अगर आप रुद्राभिषेक कराएंगे तो आप चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए लाभ करेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपको अगर मेडिकली किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी दोष है आपकी कुंडली में, वो दोष नष्ट हो जाएगा। बहुत लोगों की सालों से जो संतान नहीं हो रही थी, इस उपाय से वो संतान प्राप्त किए हैं, महारुद्राभिषेक से संतान प्राप्त किए हैं, और बहुत ज़्यादा लाभ भी मिला है। ये उपाय आपको जरूर करना है। क्या करना है, पूरे विधि विधान से आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको दूध लेना है गाय का शुद्ध, उसमें बेलपत्र 108 डाल लेने हैं, और ये आपको रोज करना है। और आपको सुबह 1 घंटे उसमें बेलपत्र डले रहने दीजिए दूध में, उसके बाद में बाल्टी या जिस पात्र में आपने 108 बेलपत्र लिए हैं और दूध में डाले हैं, वो पात्र लेकर के शिव मंदिर पहुंचिए, शिव मंदिर में जाइए। अगर शिव मंदिर में ही ये क्रिया करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, और शिव मंदिर में बैठ करके ओम शिवाय नमः इस मंत्र का एक बार जप करेंगे तो एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, और 108 बार ऐसा करेंगे, उसके बाद में पूरा जो दूध है वो आप शिवलिंग पर धार बना करके धीरे धीरे चढ़ा देंगे ओम नमः शिवाय मन में जप करते हुए। और मन में जप करने के बाद में आपको मन से ही प्रार्थना करनी है कि भोले बाबा ये प्रॉब्लम है, और ऐसी ये प्रॉब्लम है, ये समाप्त कर दो। आगे जब ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाए तो आप महामृत्युंजय अनुष्ठान यथाशक्ति
जितना आपसे हो सके, वैसे तो 1.25 लाख जप होता है लेकिन उसमें खर्चा भी बहुत आता है, तो आप जितना हो सके कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान जरूर कराएंगे यथाशक्ति जितना आपका सामर्थ्य है, क्योंकि पूरा कराने में तो 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाएगा, ज़्यादा भी आ जाता है कहीं कहीं, अब समय अनुसार जहाँ जैसे पंडित जी जितना पैसा लेते हैं, लेकिन आपको ये अनुष्ठान यथाशक्ति कराना है। भले ही आप एक दिन का ही जप कराएं, भले ही 11-15 हज़ार खर्च करें, लेकिन ये कराना है, ये प्रॉमिस करना है भोलेनाथ से कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम जो है हमारी दूर कर दो और हमारे ऊपर कृपा कर दो। समझ लीजिए आपका काम हो गया। 108 बेलपत्र रोज, यही क्रिया आपको पूरे सावन के महीने में शुरू से लेकर लास्ट तक करनी है, किसी भी दिन मिस नहीं करना है, और कोशिश करना है कि सुबह सुबह सबसे पहले कर लो। और शिव मंदिर की सफाई आपको ही करनी है, और चाहे वो दिन में आप एक बार करें चाहे आप दिन भर करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सफाई आपको जरूर करनी है। अगर आपको ऐसा है कि मंदिर ऐसा है जहाँ पंडित जी पहले ही सफाई वफाई कर देते हैं सब, तो फिर आप पंडित जी को ये पूजन करने के बाद में, ये उपाय करने के बाद में 101 रुपये दक्षिणा दे करके आइएगा, तो इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा और शीघ्र अति शीघ्र उपाय पूरा होगा और हर मनोकामना आपकी पूरी होगी, यानी कि संतान आपको जरूर प्राप्त होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और जरूरतमंदों को ये उपाय जरूर भेजें, क्योंकि उपाय बहुत असरदार है। आगे आपको और उपाय मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्कार।